नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं सावी शुक्ला। सबसे पहले मैं 2019 की आप लोगों को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। नया साल आ रहा है और आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आगे मैं एक विचार आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगी कि एक निश्चल बच्चा, एक छोटा सा मासूम बच्चा, जब माँ बाप उस बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो उसी प्रसन्नता के साथ में, उसी विश्वास के साथ में उनकी गोद में आता है कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे पास मुझे ले लेंगे। उसी प्रकार हमें ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कुछ किसी बात की कोई मुसीबत आएगी तो हमें ये विश्वास अंदर से जरूर रखना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मेरे साथ भगवान है और वो मेरी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसी के साथ मैं आगे शुरू करती हूँ, अपनी राशि की तरफ बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, आप तो वैसे भी राजा हैं, क्या बोलने का आपकी राशि को लेकर। बट मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि देखते हैं आप लोगों की राशि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2019 सिंह राशि वालों की तरफ। सिंह राशि वालों, वैसे तो आप राजा हैं, मगर थोड़ा सा आपको ध्यान पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर कि आप पाबंद रहें, समय के पाबंद रहें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस साल आपको कोई भी काम में आलस नहीं करना है। वो दूसरी बात ये कि आप जिद थोड़ी सी कम करें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिद करके कोई चीज जल्दी हासिल नहीं होती है, और अपने आप को मजबूत और दृढ़ संकल्पी बनाना पड़ेगा आपको। तीसरा मैं ये बोलूंगी कि छोटी छोटी चीजों पे एकदम भयभीत मत हो। जैसे छोटी चीजें होती हैं कि ये काम करना, अरे रे मैं जल्दी से कर लूं, ये सब नहीं करें प्लीज। उसके लिए आपको ये टाइम ध्यान देने पड़ेगा, हड़बड़ी में आके कोई भी काम नहीं करना है। और उसके बाद आप पैसे रुपए का आवागमन होगा तो भी आप सोच समझ के करिए, क्योंकि आप जो भी पैसे दे किसी को, एक रुपया भी दे तो उसका एक रुपए का भी हिसाब आप जरूर रखें। ये साल आपके लिए ऐसा जाने वाला है। पहले मैं बोलना चाहूंगी परिवार के मामलों को लेकर कि परिवार को लेकर कैसा जाएगा। परिवार को लेकर आप में रिश्तों में जरूर मधुरता आएगी, संबंध अच्छे रहेंगे, मगर यदा कदा कहीं मुझे लगता है कि या तो फिर बच्चों के या फिर बड़े लोग बिगड़ रहे होंगे, जैसे बहुत नशीले चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, सर वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे जिद भी करेंगे किसी चीज को लेकर, लेकिन आपको उनको समझा के चलना है, ना कि उनसे लड़ाई करके या फिर उनसे झगड़ा करके। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके आपको वो चीज हानिकारक होगी और मधुर संबंध टूट भी सकते हैं। बच्चों की समझ थोड़ा उलझे हुए रहेंगे, परिवार को लेकर ज्यादा उलझे हुए रहेंगे, क्योंकि मैं बच्चों पे ज्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे कार्ड भी उसी प्रकार के निकले हुए हैं। तो मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि उनकी समझ को भी आप थोड़ा बताना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे, मैं उन एज वाले बच्चों को बोल रही हूँ जो 10 से लेकर आपका 15-16 साल के बच्चे होते हैं, ये बच्चे थोड़े से ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं हर चीज को लेकर। तो आपको बहुत ही समझदारी से उनको लाइन पे लाना पड़ेगा। ये पारिवारिक बच्चों और विवाह संबंधी चीजें, आपका वाइफ के साथ संबंध कैसे रहेंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपकी वाइफ जरूर पैसे रुपए के लेकर अपने पास में जमा पूंजी रखे, क्योंकि आगे हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, ताकि आप और आपकी वाइफ दोनों भी उस परेशानियों का सामना कर सके। सरकारी नौकरी को लेकर मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम, उसके लिए भी लापरवाही मत करिए, समय का पाबंद बनिए, क्योंकि आपको नौकरी मिल सकती है। थोड़ी सी ज्यादा आपको
मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति के को लेकर मैं ये कहूंगी कि जो है आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, मगर थोड़ा पैसे आपको संचय करके रखने पड़ेंगे। धन संचय बहुत बहुत जरूरी है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये साल सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा मुसीबतों वाला साल बता रहा है। कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापार के लिए ये साल बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों, तो व्यापार पे अपना व्यापार आप अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रेम की तरफ। प्रेम वाले लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये साल आपके लिए थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ जाने वाला है, तो मैं ये कहूंगी कि उस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि इस चीज में प्रेम के मामले में आप थोड़ा शौकीन किस्म के लोगों से दूर रहें, वो मैं आपको सचेत करूंगी इस चीज को लेकर कि जो ज्यादा फ्लर्टी किस्म का हो उससे बात ना करें, सच्चे प्यार की तलाश रखें। आपके आपकी आपकी इस साल सच्चे प्यार की तलाश पूरी होने वाली है और थोड़ी सोच समझ कर कदम उठाएं ये साल प्रेम को लेकर। गिफ्ट तो मुझे लगता है कि ये साल आप लोगों की कंजूसी में ही जाएगा, कि गिफ्ट तो आप लोगों को लगता है ये साल नहीं मिलने वाला है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगी प्रेमी जोड़ों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। शादी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप अपने मम्मी पापा से बात करें और ये साल आपकी शादी भी होने की चांसेस हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग शिक्षा की तरफ। शिक्षा वाले बच्चों का जो है इस साल थोड़ी मेहनत करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है। और मतलब कि कुल मिलाकर शिक्षा के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, ये साल बहुत अच्छा 2019 आप लोगों के लिए, शिक्षा वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं हम लोग स्वास्थ्य की तरफ। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप नशे का सेवन ना करें, थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप पे। और दूसरी बात यह कि किसी दूसरे की बात अपने दिल पे मत लगाए, क्योंकि स्वास्थ्य में उसे आपको हानि पहुंचा सकता है स्वास्थ्य का। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो है कुल मिला के ये साल जो है सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चीज में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मगर ठीक रहेंगे, ठीक रहेगा आपका स्वास्थ्य। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अब उपायों की तरफ, देखते हैं कि सिंह राशि वालों का उपाय इस साल वो कैसा जाने वाला है, समाधान करते हैं उपाय के साथ में। सिंह राशि वालों थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि आप सूर्य की आराधना करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें, 108 बार माला जरूर बोलें और ओम सूर्याय नमः। और जो है मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आप गरीबों को दान दें, दक्षिणा करें, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो फिर मित्रों, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में बस मैं आपसे यही कहूंगी, नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारी उपलब्धियां लाए। और इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ साबी शुक्ला का नमस्कार।